हेलो फ्रेंड, तो आज हम बनाएंगे पालक पत्ता चाट। यहाँ पालक पत्ता चाट, तो यहाँ पे पालक पत्ता चाट बनाने से पहले हमें पालक के पत्ते लेने हैं, उनको अच्छे से वॉश कर लेना है, पानी को प्रॉपरली ड्रेन कर लेना है, और उसके बाद इन पत्तों को आपको ड्राई कर लेना है, या तो कपड़े पे या वैसे ही पूरा पानी इनका आपको सुखा लेना है प्रॉपरली। पत्तों को रख दिया हमने ड्राई करने के लिए। मीनवाइल यहाँ पे देखिए, हाफ बेसन मैंने लिया है और हाफ लिया है चावल का आटा, क्योंकि पालक पत्ता चाट बनाने के लिए हमें जो पत्तों को हमें फ्राई करना है ना, वो थोड़े क्रिस्पी होने चाहिए। तो क्रिस्प पाने के लिए इसमें मैंने बेसन और चावल के आटे का हाफ हाफ मिक्सचर ले लिया है, और उसका नॉर्मल जैसे पकोड़े बनाने के लिए हम डो तैयार करते हैं जो बेसन का सोल्यूशन, वैसे ही चावल के आटे और बेसन का हमने सोल्यूशन तैयार कर लेना है। और उसमें बेसिक मसाले, इसमें मैं कुछ नहीं डाल रहा हूँ अभी, नमक, जीरा पाउडर और थोड़ा सा हल्दी कलर के लिए आप डाल सकते हो, और इसको प्रॉपरली मिक्स करके 10 से 15 मिनट तक इसको हम रख देंगे रेस्ट के लिए। सो मीनवाइल देखिए, यहाँ पे है दही, दही में मैंने डाल दी है चीनी, और इसको भी चीनी मिक्स करके रख देंगे, और तेल करेंगे हम अपना गरम, जिसमें हमें पत्ते फ्राई। सो 10 मिनट के बाद यहाँ पे देखिए पालक के पत्ते, इसमें हम करेंगे डिप प्रॉपरली, जो घोल हमने तैयार किया था बेसन और चावल के आटे का, तो इसमें इसको इस तरह से डिप कर करके प्रॉपरली, ताकि हर तरफ से इसके ना बेसन और उसके चिपक जाए, और इसको कर देंगे फ्राई। अच्छे से इसको फ्राई कर लेना है, कम गैस को कम कर लें, ताकि वो एकदम से जले ना, और प्रॉपरली इसको क्रिस्पी कर लेना है आपको पत्ते को, क्योंकि जितना क्रिस्पी होगा उतना ही वो क्रंची सा चाट आपका बनेगा। और बस ऐसे ही आपको, और यहाँ पे पालक पत्ते हमारे फ्राई हो चुके हैं, प्लेट में आ गए हैं, और साथ में ये सारी चीज़ें तैयार हैं चाट बनाने के लिए। हरी चटनी, खट्टी मीठी चटनी, अनारदाना, नमकीन बूंदी, भुजिया, और पत्तों को प्लेट में रखेंगे और उसके ऊपर वन बाय वन सब कुछ स्प्रेड करते जाएंगे। सबसे पहले हम मीठी दही इस पर स्प्रेड करेंगे प्रॉपरली, दही के बाद इसमें हम वन बाय वन दोनों चटनियाँ, पहले ये मैंने खट्टी मीठी चटनी, तीखी वाली चटनी जो थी वो उस पर स्प्रेड की, उसके बाद जो खट्टी मीठी चटनी होती है वो उस पर स्प्रेड की। इन दोनों की चटनी की मैंने रेसिपी ऑलरेडी डाल रखी है, मैं इसमें लिंक में भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा लिंक। और उसके बाद देखिए ये नमकीन बूंदी, भुजिया, ये सारी चीज़ें जितना आप इस पर स्प्रेड करोगे उतना आपका चाट क्रंची बनेगा। देखिए कच्चा प्याज के बिना तो कोई भी चाट अधूरा है। और एक बार फिर से चटनी, तो यहाँ पे रेडी है हमारा पालक पत्ता चाट, और अनार के साथ इसको गार्निश किया हमने। और आप भी बनाइए ये रेसिपी और मुझे सपोर्ट कीजिए।